हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, साइन ऑफ द वीडियो देख रहा आपके लिए सुटेबल है। हेलो, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आज का कॉन्सेप्ट मेरा क्या है। आज का कॉन्सेप्ट है चैप्टर फोर। चैप्टर फोर के साथ वो क्लास फोर्थ के लिए एक चैप्टर है जो सभी लोगों को बेसिकली करना आवश्यक है। तो उसमें चैप्टर वन है द ग्रीन प्लांट। द ग्रीन प्लांट का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता है कि हरे पौधे। तो हरे पौधे बनते कैसे हैं, इनके अंदर क्या क्या होता है, तो आज हम इन सभी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। तो हम सभी को पता है कि वी ऑल नीड फूड फॉर ग्रो। तो हम सभी को पता है कि जीवित रहने के लिए और बढ़ने के लिए हम सभी को फूड की आवश्यकता होती है। तो द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट्स। जो भोजन हम खाते हैं उस भोजन को हम पौधे से प्राप्त करते हैं। पौधे से हम भोजन को प्राप्त करते हैं। तो दैट इज द मेन सोर्स ऑफ फूड। तो इसको भोजन पौधे को हम प्राप्त पौधे को पौधे से हम भोजन को प्राप्त करते हैं। तो पौधे से हम भोजन डायरेक्टली भी प्राप्त करते हैं और इनडायरेक्टली भी प्राप्त करते हैं। तो डायरेक्टली का मतलब सीधे ही पौधों पर निर्भर रहता है, इनडायरेक्टली मतलब हम आपके हम पौधों पर निर्भर रहते हैं। कैसे, क्योंकि देखो जो अगर कोई है ओमनिवोरस है, वो सॉरी कार्निवोरस है, तो वो क्या करता है, क्या कहते हैं, हर्बीवोरस को खाता है। क्यों, क्योंकि वो फ्लैश ईटर होता है। लेकिन हर्बीवोरस किसको खाता है, प्लांट ईटर, प्लांट को। तो जो हर्बीवोरस जो प्लांट को खाते हैं वो क्या हो गए, हम मतलब प्लांट से, प्लांट ने प्लांट को हर्बीवोरस ने खाया, हमने हर्बीवोरस खाया। तो हम डायरेक्ट इनडायरेक्टली हम प्लांट्स पे डिपेंड कर गए। इसलिए फिर क्या कहते हैं, कोई होता है हर्बीवोरस तो वो डायरेक्टली प्लांट को खाते हैं, तो वो डायरेक्टली डिपेंड करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता होना चाहिए प्रोड्यूसर क्या होता है। तो प्रोड्यूसर का मतलब होता है जो कुछ या वस्तु का उत्पादन करने वाले। परंतु जो फूड चेन है, फूड चेन के अंदर प्रोड्यूसर हमने ग्रीन प्लांट को कहा है। ग्रीन प्लांट को क्यों कहा है, क्योंकि यही एक ऐसे जीव है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं। तो इसका मीनिंग है कि द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड, आप देखो जो अपना फूड स्वयं बनाते हैं, ऐसे लिविंग थिंग्स यानी ऐसे जीव प्राणी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन सभी को हम प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्रोड्यूसर लीव मेक फूड ऑफ द प्लांट। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो होता है लीव का होता है, यानी ये है लीव। लीव ही पौधों के अंदर खाना बनाती है। तो लीव मेक, सेकंड पॉइंट ध्यान में पढ़ेंगे, लीव मेक फूड और प्लांट। तो लीव जो है, पत्तियां जो है, पौधों के लिए भोजन बनाती है। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होती है, देखिए कैसे। तो पौधों को भोजन बनाने के लिए कुछ चीजों की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट है सनलाइट, सेकंड है वाटर, थर्ड है मिनरल, फिर फोर्थ है लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड। ये कुछ चीजें हैं जिनको आवश्यकता पड़ती है। तो फर्स्ट है सनलाइट। सनलाइट यानी सूरज के प्रकाश के कारण ये ऊष्मा को प्राप्त करते हैं। फिर सेकंड है कार्बन डाइऑक्साइड। फिर थर्ड है हमारे पास वाटर। वाटर के बिना तो फूड बन ही नहीं सकता, क्योंकि वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, प्लांट एंड एनिमल्स, ये दोनों के लिए ही होता है। पौधों और जानवरों के लिए वाटर सब जीवन का एक अमूल्य वस्तु है, इसका कोई मूल्य नहीं होता, वो वस्तु है वाटर। वाटर मतलब जल। तो ऐसे ही हमने इसको बताया। आप देखिए क्या होता है कि जो रूट्स है, ये जो रूट्स है, ये रूट्स ये वाटर को एब्सॉर्ब करती है, और वाटर को एब्सॉर्ब करने के बाद मिनरल्स को भी एब्सॉर्ब करती है। उसके बाद वाटर और मिनरल को एब्सॉर्ब करने के बाद ये कैरी करती है स्टेम में। अब स्टेम में गया ये सामान, तो स्टेम से इन सभी को कहाँ पहुंचाया जाता है, स्टेम से फिर इन सभी चीजों को लीफ तक पहुंचाया जाता है। फिर लीफ में पहुंचने के बाद जो ग्रीन पिगमेंट होता है, यानी जो लाल कलर होता है, वो हरा कलर होता है पौधों के पत्तियों के अंदर, तो पौधों की पत्तियां जो है सनलाइट को एब्सॉर्ब करके रखती है। तो ग्रीन लीफ जो है सनलाइट को जब एब्सॉर्ब करके रखती है, तो उनके जो छोटे छोटे छेद होते हैं, उन पत्तियों के अंदर छोटे छोटे छेद होते हैं, तो वो ग्रीन पिगमेंट को क्लोरोफिल कहलाता है।
एक और इसमें टॉपिक है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्लोरोफिल का मतलब होता है द ग्रीन पिगमेंट इन लीव्स, दैट्स आर कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हरा रंग पौधों की पत्तियों के अंदर मौजूद होता है वो क्लोरोफिल कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर से बताया हुआ है कि कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है पौधों के लिए, क्यों पौधों के लिए कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये ब्रीथिंग प्रोसेस को कंप्लीट करता है। तो इसलिए देखिए कार्बन डाइऑक्साइड एंटर लीव्स थ्रू टिनिंग ओपनिंग्स, तो पौधों के छोटे छोटे छेद होते हैं उनके, पौधों की पत्तियों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उन छेदों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है। फिर क्या कहते हैं ये कहा जाता है ऐसी जगह पे स्टोमाटा के छोटे छोटे छेद, स्टोमाटा के अंदर छोटे छोटे छेद प्रेजेंट होते हैं उस सरफेस के द्वारा पौधों के अंदर जाता है पौधों की पत्तियों के सहारे। तो इसी प्रोसेस को जो फूड प्रोसेस होती है, फूड प्रोसेस ऑफ प्लांट आज आर्ट फोटोसिंथेसिस, यानी पौधों की जो भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को हम फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के नाम से जानते हैं। तो ये प्रोसेस हमने पढ़ ली है, अब इसके अंदर मैं बताता हूँ। फोटो जो है एक ग्रीक वर्ड है, फोटो का मतलब होता है लाइट, लाइट का मतलब प्रकाश, एंड सिंथेसिस का मीनिंग होता है पुटिंग टुगेदर, यानी सभी चीजों को एक साथ मिलाकर। तो फोटोसिंथेसिस में फोटो ग्रीक वर्ड है, तो फोटो का मीनिंग मैंने बताया लाइट, एंड सिंथेसिस का मतलब है पुटिंग टुगेदर, यानी सभी को एक साथ जोड़कर या मिलाकर। सनलाइट इज रिक्वायर्ड अलोंग विद द वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक, यानी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़कर सनलाइट की भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर। तो फूड इज प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, अब देखो पौधों के अंदर जो फूड तैयार होता है वो ग्लूकोज के रूप में तैयार होता है, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। तो थर्ड वो भी आर टाइप ऑफ शुगर, ये भी एक प्रकार का शुगर होता है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड फ्रॉम स्टोमाटा, ऑफिस जब कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करके सारा भोजन प्रोसेस हो जाता है तो ऑक्सीजन को रिलीज कर दिया जाता है, रिलीजिंग ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलेंगे, नेक्स्ट है व्हाट हैपेंड टू द फूड प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट, ऐसा क्या होता है जो भोजन पौधों के द्वारा तैयार किया जाता है। तो फर्स्ट देखिए द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ शुगर, जो क्या कहता है फूड जो प्रिपेयर किया जाता है प्लांट पौधों के द्वारा किसके रूप में, शुगर के रूप में। फिर सेकंड पॉइंट इसमें बोला हुआ है सम ऑफ द फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट फॉर एनर्जी, कुछ भोजन तो पौधों के अंदर ही खपत कर लिया जाता है किसके रूप में, एनर्जी के रूप में। फिर सेकंड पॉइंट इसमें थर्ड पॉइंट क्या हुआ है सम ऑफ द फूड इज यूज्ड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑन आवर सेल्स, कुछ तो भोजन जो है पौधों के अंदर उनकी कोशिकाओं को बनाने के लिए और नए ग्रोथ करने के लिए यूज कर लिया जाता है पौधों के अंदर। फिर थर्ड है रेस्ट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ शुगर कॉर्न स्टार्च, और फिर जो बचा हुआ हिस्सा होता है वो शुगर के रूप में स्टार्च बनकर जमा हो जाता है, और शुगर इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, और शुगर जो है यानी स्टार्च जो है बहुत अलग अलग हिस्सों में पौधों में पाया जाता है, और ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है लीव्स स्टेम फ्रूट रूट्स एंड फ्लावर, ये पांच हिस्सों में पाया जाता है लीफ स्टेम रूट्स फ्रूट्स एंड फ्लावर। तो इन सभी चीजों को हम खाते हैं अपने भोजन के रूप में यानी ग्रहण करते हैं। तो अब नेक्स्ट चीज मैं आपको बताता हूँ पार्ट ऑफ अ लीफ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पार्ट ऑफ अ लीफ। लीफ के कितने पार्ट्स होते हैं यानी किन किन हिस्सों में पत्ती बटी हुई है, जो पत्तियां हैं किन किन हिस्सों में बटी हुई है। तो अब हम बारे में जाएंगे, ये क्या है लीफ है ना, लीफ और लीफ के भी अलग अलग हिस्से हैं, ये लीफ है, लीफ में देखो ये वाला जो हिस्सा है दैट इज लीफ ब्लेड फर्स्ट पॉइंट,
सेकेंड पॉइंट दिया है मिड मेन सेकेंड पॉइंट, थर्ड दिया है स्लाइड मैन, साइड मैन, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। एंड फोर्थ एंड फाइनल पॉइंट है, इसे बोलते हैं स्टाम। ये लीफ के कुछ महत्वपूर्ण हिस्से हैं, चाहो तो थोड़ा खुला करके लिख देता हूँ। यहाँ पे फर्स्ट यहाँ हो गया तो सेकंड में यहाँ लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो समझने में। ये सेकंड, तो ये मैंने लीफ बनाई है आपकी स्क्रीन पे। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत तुम बता देता हूँ। लीफ है तो फर्स्ट है स्टाल, स्टाल के बारे में पढ़ेंगे। तो फोर्थ पॉइंट है स्टाल, तो स्टाल के बारे में पढ़ते हैं। तो स्टाल इट इज द फ्लैट पार्ट, सॉरी इट इज अटैच्ड टू द स्टेम टू लीफ। ये पौधों को तने से, पौधे की पत्तियों को तने से लेके पत्तियों के बीच के बीच में जो होता है वो स्टाल कहलाता है। ये पत्तियों को तने से जोड़ता है, पौधों की तने से जोड़ता है। फिर सेकंड है लीफ ब्लेड, यानी इसको हम थर्ड नंबर जो हमने लिखा है वो हम बताते हैं लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड का काम क्या होता है, इट इज द फ्लैट पार्ट ऑफ द लीफ। ये सबसे चपटा हिस्सा होता है पौधे के अंदर का, जिसे हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। ये पूरा का पूरा ये ब्लेड रहता है, ये लीफ ब्लेड कहलाता है। इट इज ब्रॉड इन सम प्लांट, नैरो इन द सम अदर प्लांट्स। तो ये किसी किसी में ऐसा फैला हुआ होता है और किसी किसी में बहुत छोटी मात्रा में, देखिए छोटी पत्तियां होती है कि छोटा छोटा अलग अलग पौधों में अलग अलग आकार का बना हुआ होता है। फिर आप पढ़ेंगे वेन्स। वेन्स क्या होते हैं, तो वन मेन मेन पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द लीफ। तो इनमें से जो सेंटर में से जो निकलती है वही मेन वीन कहलाती है। और मैनी सुसाइड वीन्स होती है, ये साइड साइड में मौजूद होती है। ये साइड वाली वीन्स जो होती है साइड वीन्स कहलाती है। ये जो मिडल वाली है ये मिडल वाली ये मेन वीन्स कहलाती है। फिर उसके बाद द वीन्स कैरी वाटर एंड मिनरल्स, और इन्हीं के द्वारा पौधों के अंदर भोजन को पहुंचाया जाता है और पानी को और मिनरल्स को पहुंचाया जाता है। फिर क्या कहते हैं, थ्रू द लीफ एंड कैरी प्लेट फूड, और ये लेके जाते हैं फिर फ्रॉम द लीफ टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टेम, और फिर ये अलग अलग हिस्सों में तनों के पहुंचाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है स्टोमाटा। स्टोमाटा क्या होता है, तो स्टोमाटा क्या होता है आपने पहले भी सुना होगा। स्टोमाटा इसका एक पिक्चर बना लेते हैं। लीफ है, लीफ के अंदर का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं हम, ये यहाँ पर इसके अंदर हम बनाएंगे एक गोला, फिर ऐसे पार्टिकल्स, ये जो बंद है ये है क्लोज स्टोमाटा, और ये जो ओपन है ये है ओपन स्टोमाटा।
तो अब देखते हैं स्टोमाटा का क्या काम होता है। तो ऑन द लोअर सरफेस ही पौधों के बिल्कुल अंदरूनी हिस्से में पाया जाता है, और इसका मतलब है जो छोटे छोटे छेद जो खुले हुए होते हैं वो स्टोमेटा कहलाते हैं, और ओपन स्टोमेटा जो खुले हुए होते हैं और क्लोज स्टोमेटा जो बंद होते हैं। यानी स्टोमेटा का काम होता है गैसों को एक्सचेंज करने का, ऑक्सीजन टू कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू ऑक्सीजन। तो नेक्स्ट हम बताते हैं सम अनयूजुअल प्लांट, सम अनयूजुअल प्लांट। समर म्यूचुअल प्लांट में कौन कौन से पौधे आते हैं? नॉन ग्रीन प्लांट यानी जो पौधे हरे नहीं होते हैं वो समर म्यूचुअल प्लांट के अंदर आते हैं। तो जैसे कि मोल्ड और मशरूम, इसके बेस्ट बेस्ट एग्जांपल है, यानी मोल्ड और मशरूम। मशरूम जो होते हैं आप लोगों को पता होगा जिसे हिंदी में कुकर मुद्दा कहा जाता है वो मशरूम कहते हैं। और मोल्ड भी प्रकार का ऐसा पौधा होता है जो अपना भोजन तो स्वयं नहीं बना सकते और ये लाइन के पास क्लोरोफिल मौजूद होता है। तो सम अनयूजुअल प्लांट इजी मोल्ड एंड मशरूम, ना ही अपना भोजन खुद बना सकते हैं और ना ही इनके पास क्लोरोफिल मौजूद होता है जो ग्रीन पिगमेंट होता है, इस वजह से ये ग्रीन नहीं रहते हैं। ये डेड और डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल पर डिपेंड करते हैं अपने भोजन के रूप में। और ये अपने अंदर जो अपनी ऊर्जा है उसको कम खपत करने के लिए इनके अंदर कांटे भी होते हैं। दिस हेल्प टू प्रिवेंट वाटर लॉस, और ये पानी की कम से पानी का बचाव करते हैं और पानी को कम से कम वेस्ट करते हैं। एंड देयर इज नो स्टोमेटा ऑन द स्पाइन्स, यानी इनके कांटों में कोई भी स्टोमेटा नहीं मौजूद होता है। फिर सम प्लांट्स आर द क्रोटन। क्रोटन एक ऐसा पौधा है जिसके अंदर हरे पत्ते नहीं होते हैं परंतु इनके अंदर क्लोरोफिल मौजूद होता है, और इसका क्लोरोफिल का कलर होता है डार्क रेड। तो डार्क रेड द रेड पिगमेंट हाइड्स द ग्रीन कलर, इसलिए लाल कलर जो होता है वो ग्रीन कलर को छुपा कर रखता है, और ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं। फिर एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, यानी ऊर्जा का प्रवाह जीवित प्राणियों में, इसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स, जीवित वस्तुओं में ऊर्जा का प्रवाह। तो द सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, फर्स्ट है इसके अंदर सन। सन जो है अल्टीमेट सोर्स ऑफ वाटर, सोर्स ऑफ एनर्जी है फॉर ऑल लिविंग थिंग्स, सभी के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सभी जीवों के लिए, क्यों? क्योंकि ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है। देन उसके बाद द सन एनर्जी फ्लो द फूड चेन, और सन एनर्जी जो है फूड चेन को बनाने में सहयोग करती है। तो ग्रीन प्लांट ट्रैप सन एनर्जी बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मेक फूड। तो हरे पत्तेदार जो पौधे होते हैं ग्रीन प्लांट यानी सन एनर्जी को यानी सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसके कारण वे अपना भोजन बनाते हैं। फिर हर्बीवोरस ईट्स ग्रीन प्लांट, हर्बीवोरस सेकंड नंबर पे है ग्रीन प्लांट, थर्ड नंबर पे है हर्बीवोरस। हर्बीवोरस क्या होते हैं? ऐसे जीव जो शाकाहारी होते हैं, जो हरे पत्तेदार पौधों का सेवन करते हैं, वे सभी के सभी हर्बीवोरस कहलाते हैं। हरे पत्तेदार पौधों से बनी हुई चीजों का भी सेवन करते हैं तो वे हर्बीवोरस कहलाते हैं। एंड कार्निवोरस, कार्निवोरस वे जीव होते हैं जो हर्बीवोरस को ईट करते हैं या किसी भी प्रकाश का फ्लैश या मीट का सेवन करते हैं, वे कार्निवोरस कहलाते हैं।
नेक्स्ट आता है ओमनिवोरस। ओमनिवोरस ऐसे जीव होते हैं जो हर्बीवोरस और कार्निवोरस दोनों का सेवन करते हैं, वे जीव ओमनिवोरस कहलाते हैं, यानी इन दोनों को भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो ये इस तरह से हमारी फूड चेन बनी हुई है, जिससे कि स्टार्ट होती है ग्रास से, फिर ग्रास से खत्म हो जाती है आके ओमनिवोरस पे, फिर ऐसे ये चलता रहता है और माइक्रोऑर्गेनिज्म्स भी इसी के बीच में आ जाते हैं। तो प्लांट एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट। माइक्रोऑर्गेनिज्म्स के बारे में आप आगे पढ़िएगा जब आगे क्लास में पहुंच जाएंगे। तो प्लांट एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, तो ये क्या होती है? तो प्लांट एंड एनिमल्स आर इंटरडिपेंडेंट, यानी पौधे और जानवर एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। अब आप लोग सोचिए ये कैसे हो सकता है, पौधे तो जानवरों को खाना बना के खिलाते हैं, तो ये एक दूसरे पर निर्भर कैसे रह सकते हैं? सोचने वाली बात है, बिल्कुल सोचिए। तो अब हम बताते हैं कैसे रहते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट आर ऑक्सीजन, तो पौधे जो है हम लोग को ऑक्सीजन देते हैं, परंतु जितने भी जानवर हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, वे सभी के सभी पौधों को सपोज करो ये एनिमल है, ये प्लांट्स है, पौधे ने हमें ऑक्सीजन दी तो हम पौधों को देंगे कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमने ये दिया तो साइकिल कंप्लीट हो गया, हमने एक दूसरे के इंटरडिपेंडेंट दिखा दिए। फिर उसके बाद प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस, तो पौधे ने कार्बन डाइऑक्साइड से अपना फोटोसिंथेसिस करके भोजन बना लिया। फिर उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज हुआ, तो इससे हमें सांस लेने में सहायता मिली, यानी कार्बन डाइऑक्साइड हेल्प टू फोटोसिंथेसिस एंड ऑक्सीजन हेल्प टू ब्रीथ, यानी पौधों से निकली हुई ऑक्सीजन से हमें सांस लेने में मदद मिली और जानवरों ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस को रिलीज किया है, जिसके कारण पौधों के अंदर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कंप्लीट हुई। उसके बाद हेंस इट इज मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन द नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स ऑन द अर्थ, यानी कहने का मतलब है कि पौधों और जानवरों का उचित मात्रा में ही पृथ्वी पर जीवित रहना संभव है। अगर अचानक जानवरों की संख्या अगर पृथ्वी पर बढ़ जाती है तो पौधों की संख्या बिल्कुल कम हो जाएगी, जिसके कारण सप्लाई एनर्जी जो है फूड चेन में से खत्म हो जाएगी इसी प्रकार, और फिर ऑक्सीजन की कमी के कारण जानवर भी समाप्त हो जाएंगे। अगर किसी मात्रा में जानवर की संख्या कम हो जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस खत्म हो जाएगी, जिसके कारण पौधे भी अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑल्सो, बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, गंदा लगा तो हम अगली बार अच्छा प्रयास करेंगे। थैंक यू।